अम्बाला सिटी के हर्बर पार्क में हरियाणा के नाथ सिंह सैनी सरकार ने राहगीरी कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शामिल होकर परिवहन मंत्री असीम गोयल संग साइकिल चलाई और एक पौधा मां के नाम मुहिम की शुरुआत की है। इस दौरान 500 के करीब स्कूली छात्र मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश को हरित बनाने के लिए करीब 1.5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य भी रखा गया है। अम्बाला में राहगीरी कार्यक्रम का आगाज, हरियाणा को हरित प्रदेश बनाने की शुरुआत, एक पौधा मां के नाम अभियान की शुरुआत, वन मित्र योजना से बढ़ रहा प्रदेश का वन क्षेत्र, निशानेबाजी वॉलीबॉल पर आजमाए हाथ, दिव्यांगों को ट्राई साइकिल देकर शुरू किया अभियान। हरियाणा को हरित प्रदेश बनाने के लिए नायब सिंह सैनी की सरकार ने जोरदार आगाज किया है। ना सिर्फ नया लक्ष्य भेदने का संकल्प लेकर बल्कि लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक्शन प्लान को जमीन पर उतारने का काम ही तेजी से हो रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अम्बाला शहर में आयोजित राहगीरी कार्यक्रम का आगाज हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सीएम नायब सिंह सैनी शामिल हुए। राहगीरी कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व परिवहन मंत्री असीम गोयल ने स्वयं साइकिल चलाकर की। सांस्कृतिक कार्यक्रम से शुरुआत होने से पहले पुलिस कर्मियों ने मुख्यमंत्री को सलामी दी। इसके बाद साइकिल रैली को झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री खुद भी साइकिल रैली में शामिल हुए, जिसमें करीब 500 विद्यार्थी शामिल रहे। राहगीरी कार्यक्रम के माध्यम से सीएम ने प्रदेशवासियों को स्वस्थ रहने का संदेश दिया। अम्बाला शहर से सीएम ने पौधारोपण कर एक पौधा मां के नाम अभियान की भी शुरुआत की और प्रदेशवासियों को ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने और बड़ा होने का संरक्षण करने का आह्वान किया। इस दौरान भारी संख्या में छात्र छात्राओं व नागरिकों के अलावा सरकार विभागों के कर्मियों व अधिकारियों ने हिस्सा लिया। राहगीरी स्थल पर विभिन्न संदेश देने के लिए 23 विभागों ने प्रदर्शनियां भी लगाई। म्यूजिक के अलावा कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। अलग अलग विभागों की ओर से 44 स्टॉलें भी लगाई गई थी। साथ ही मुख्यमंत्री ने 5 खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री द्वारा दिव्यांगों को ट्राई साइकिल देकर अभियान की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का भी सीएम व परिवहन मंत्री ने अवलोकन किया। इस दौरान पॉलीथीन का इस्तेमाल न करने का संदेश दे रहे स्टॉल से सीएम ने जूट का बना बैग भी खरीदा और डिजिटल माध्यम से उसकी पेमेंट भी की। मंच से आमजन को संबोधित करते हुए सीएम ने प्रदेशवासियों से अपील की और कहा कि सभी इस पौधारोपण अभियान में जुड़कर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। राहगीरी के दौरान विभिन्न खेलों व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने बच्चों के करतब और खेलों की खुलकर प्रशंसा की। सीएम नायब सिंह सैनी वॉलीबॉल में अपने हाथ आजमाते हुए भी दिखे। साथ ही उन्होंने निशानेबाजी में भी खुद निशान लगाया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व परिवहन मंत्री को राखी के स्टॉल पर मौजूद महिलाओं ने रक्षा सूत्र भी बांधा। बाद में सीएम ने बताया कि राहगीरी कार्यक्रम में प्रेम और एकता की भावना झलकी है। सीएम ने कहा कि आज पूरा शहर एक स्थान पर उमड़ा और अलग अलग स्टॉल के माध्यम से विभिन्न विभागों के कार्य प्रदर्शित किए गए। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मुहिम एक पौधा मां के नाम अभियान की शुरुआत की, उसके अंतर्गत हरियाणा में 1.5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। सीएम ने बताया कि पिछले लगभग 10 वर्षों में उनकी सरकार ने लगभग 18 करोड़ पेड़ लगाए हैं। लोकप्रिय विधायक हरियाणा सरकार के मंत्री असीम गोयल जी और हमारे पुलिस प्रशासन के अधिकारी और हमारे प्रशासनिक अधिकारी, पंचायत विभाग के अधिकारी और सभी विभागों ने, जो अलग अलग चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप है चाहे हमारे युवा साथी हैं, उन्होंने भी अपनी प्रतिभा का लगभग 23 आइटमें ऐसी थी उनका यहाँ पर प्रदर्शन किया है राहगीरी कार्यक्रम में, क्योंकि एकता और प्रेम की भावना झलकती है। आज पूरा शहर एक स्थान के ऊपर उमड़ा है और यहाँ पर अलग अलग स्टॉल लगा करके, जो स्टॉल लगाए गए हैं युवाओं को भी जागरूक करने का काम और खेलों के द्वारा भी अपना प्रदर्शन दिखाने का यहाँ पर काम
चाहे रस्साकसी की है, फुटबॉल की है, या जूडो कराटे की है, या पौधारोपण की है, पौधे वितरित किए गए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आह्वान था, उन्होंने 5 जून को जो आह्वान किया, एक पेड़ माँ के नाम, हमने भी कल उसका हरियाणा में शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मुताबिक राज्य को हरा भरा बनाकर प्रदूषण मुक्त करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। साल 2023-24 में रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम और नूह जिले में करीब 22,425 हेक्टेयर क्षेत्र को सुरक्षित वन अधिसूचित किया गया है। इसके साथ ही 5 से 100 करोड़ में ऑक्सीजन बनाने का फैसला लिया गया है। बता दें कि स्वास्थ्य परिवर्तन के लिए हर क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लिहाजा हरियाणा में वन क्षेत्रों में कमी को पहचानते हुए वन विभाग की ओर से वन मित्र योजना चलाई जा रही है। हरियाणा सीएम ने कहा कि पर्यावरण के मद्देनजर हम हरियाणा में वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए 50,000 वन मित्र रखने जा रहे हैं, जिन्हें पौधा लगाने व उसका पालन करने के लिए 20 रुपए प्रति पौधा दिया जाएगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने राहगीरी कार्यक्रम में बच्चों के शामिल होने पर भी खुशी जताई। इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, राहगीरी में बच्चों व सरकारी विभागों ने हिस्सा लिया और अपनी कला का बेहतरीन प्रदर्शन किया है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।